हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सौम्यास कॉर्नर। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक अनोखी सब्जी, ये है कमल ककड़ी की सब्ज़ी। कमल का फूल जितना सुंदर होता है, इसकी जड़ भी उतनी ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल रखता है ये, और इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। इसमें विटामिन ए, बी और सी होता है, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। ये बुखार को भी ठीक करती है, सूजन और जोड़ों के दर्द को भी कम करने में सहायक होती है, और स्किन डिजीज को भी ये ठीक करती है, पथरी होने की संभावना को भी ये रोकती है। कुल मिलाकर इसके इतने ज़्यादा फायदे होते हैं कि ये कंप्लीट फूड माना जाता है। और इसको बनाना बहुत आसान है, और इतनी टेस्टी ये बनती है कि आप इसके सामने फिर नॉन वेज खाना भूल जाएंगे। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कमल ककड़ी ली थी, उसको अच्छे से छील लिया और फिर उसको पानी में अच्छे से बॉयल कर लिया। मैंने उसको 80% तक कुक कर लिया है और उसका पानी जो है वो ड्रेन आउट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर तक कई बार क्या होता है मिट्टी जाने की, और क्योंकि ये मिट्टी के पानी के अंदर ही होती है तो इसमें मिट्टी पाने की संभावना होती है। तो पानी में अगर थोड़ी बहुत मिट्टी आ गई होगी तो निकल गई। अब इसके लिए मैंने 2-3 प्याज को चॉप कर लिया है, कुछ 2 टमाटर बड़े बड़े लिए उसको चॉप कर लिया है, और ये मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। और तड़के के लिए मैंने देखे लिया है थोड़ा सा ज़ीरा, ये 2 मैंने छोटी इलायची ली है, 1 जावित्री ली है, ये 2 मैंने लौंग लिए हैं, ये 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, और बड़ी इलायची ली है, और ये लिया है मैंने 1 तेज़पात। ये है तड़के के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, पैन में तेल डाल दिया है और अपने तड़के की सारी सामग्री उसमें डाल दी है। जैसे ही तेल गर्म हुआ, अब ये देखिए इनको हमने, जब तक इनका अच्छा सा एक फ्लेवर तेल में ना आ जाए तब तक इनको फ्राई करना है, और जैसे ही ये फ्राई हो जाएं उसके बाद हम इसमें हींग डाल देंगे। देखिए मैंने इसमें हींग डाल दिया है, और इसके साथ ही जो मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाया है वो भी डाल देंगे, उसको भी अच्छे से भून लेंगे। इसका हल्का सा हमने कलर चेंज होने तक इसको भून लेना है। और इसके साथ ही जो 2 प्याज को मैंने पतला पतला बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया था उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हमने भूनना है, इसका कलर चेंज हमने करना, जलाना नहीं है लेकिन कलर चेंज करना है इसको। ये देखिए प्याज जो है उसका कलर चेंज हो चुका है, ये भुन चुके हैं। देखिए इसको धीरे धीरे चलाते रहना है जिससे कि ये तली में नीचे लगे ना और जले ना। अब जैसे ही प्याज भुन जाते हैं वैसे ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। आप अगर छोटे टमाटर हैं तो 3 से 4 भी ले सकते हैं, बड़े टमाटर हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं, और उनका बारीक हमने पेस्ट बनाना है। और आपको पता है जैसे ही हम टमाटर डालते हैं वैसे ही डाल देते हैं नमक, जिससे कि टमाटर जो है वह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और उसके साथ ही अच्छे कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है धनिया पाउडर, ये मैंने देखिए इसमें लगभग आधी चम्मच डाला है, और ये लिया है मैंने थोड़ा सा जीरे का पाउडर, और ये ली है हल्दी। हल्दी जो है वो इसी टाइम पे डालेंगे जिससे कि अच्छे से ये भुन जाए। और इसके साथ ही थोड़ा सा लिया है मैंने अमचूर पाउडर, और इन सब को अच्छे से मिक्स कर देना है हमने। देखिए बिल्कुल अच्छे से इन सब को हमने मिक्स कर देना है, और ग्रेवी को फिर हमने अच्छे से बिल्कुल तेल छोड़ने तक पकाना है। इसको हम ढक के पकाएंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अब ये देखिए 5 मिनट के बाद जो है हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसने पानी जो है सॉरी तेल जो है वो छोड़ दिया है। ये देखिए ऑयल बिल्कुल ग्रेवी से अलग हो चुका है, ये अच्छे से भुन चुकी है। देखिए कलर भी इसका कितना अच्छा सा आया है, और देखने से ही बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग और टेस्टी ये लग रही है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा हो गया है, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी बिल्कुल कसूरी मेथी, और इन सब को मिलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कमल ककड़ी जिसको हमने 80% तक कुक कर लिया था। अब इसको मिलाने के बाद हमने इसको अच्छे से चला देना है, देखिए, और इसके साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे पानी।
आपको जितनी पतली या गाढ़ी आप इसकी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और अब हमने इसको 5 या 6 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से इसको कुक करना है, जिससे कि जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो कमल ककड़ी के अंदर तक चला जाए बिल्कुल अच्छे से। अब ये देखिए 5 मिनट के बाद इसको हम खोल के देख रहे हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है, बिल्कुल ऊपर आ गया है, एक अच्छा सा इसमें कलर आया है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो कमल ककड़ी की सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो गई है। ये देखिए और इतनी टेस्टी ये बन के तैयार होती है कि इसके सामने फिर नॉन वेज भी आपको फीका लगने लगता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारी ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच क्रीम। ये देखिए आप दूध की मलाई भी इसमें डाल सकते हैं, जो दूध के ऊपर मोटी सी लेयर आती है ना, बस वही 2 चम्मच आपको डाल देनी है। और ये डालने के बाद एक बार 2 मिनट के लिए मैं इसको फिर से पका लूँगी। अब ये देखिए बिल्कुल रिच क्रीमी हमारी जो कमल ककड़ी की सब्ज़ी है वो बनके तैयार है। आप इसको रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी आराम से इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जो हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए हमने इसको सर्व कर दिया है और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनके तैयार हुई है। और टेस्टी होने के साथ साथ फ़ायदे तो मैंने आपको इसके बहुत सारे गिनवा भी दिए और इसके ज़्यादा इससे अलग भी इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप इसको सर्च करेंगे तो आप इसके फ़ायदे देख पाएंगे।